वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बरेली सिटी स्टेशन से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में नज़र डालेंगे बरेली सिटी स्टेशन पर क्या कुछ कार्य चल रहे हैं। अमृत भारत योजना के तहत यहां पर भी विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं यहां पर काम चल रहा है, लेबर लगी हुई है और जो बाहर का सर्कुलेटिंग एरिया है बरेली सिटी का, इसको और बेहतर किया जा रहा है और सुंदर बनाया जा रहा है। ये यहाँ की मुख्य बिल्डिंग है बरेली सिटी स्टेशन की, और जो नैनीताल रोड है उसी के ऊपर ये स्टेशन पड़ता है। बरेली के बिल्कुल बीचों बीच शहर में पड़ता है, और बरेली जंक्शन जो हमारा उत्तर रेलवे का है, वहाँ से जब आप इज्जत नगर के ट्रैक पर आते हैं तो पड़ता है बरेली सिटी, जो कि हमारे NER जोन इज्जत नगर मंडल में आता है। लगभग 30 ट्रेन्स का यहाँ पर ठहराव है। पार्किंग देख सकते हैं आप सामने, उस दिशा में कर दी गई है। बड़ा सा मिक्सर देखिए जा रहा है, जिसमें कंक्रीट को मिक्स किया जाता है। यहाँ पर भी जो फ्रंट है बिल्डिंग का, सीढ़ी लगी हुई है, सामने आप देख सकते हैं इसको चमकाया जा रहा है। सामने की दिशा में यहाँ पर देखिए कार की जो पार्किंग है, सामने बड़ा सा वृक्ष आपको दिख रहा होगा, हरियाली भी काफ़ी है, तो ग्रीनरी भी की जा रही है, साफ़ सफाई भी की जा रही है। अपलिफ्टमेंट हो रहा है एक प्रकार से आप कह सकते हैं बरेली सिटी स्टेशन का। अमृत भारत योजना में पैसा लगाया जा रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो शॉप्स हैं, जो रेलवे का ये नया कॉन्सेप्ट, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न था कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ के जो लोकल उत्पाद हैं उनको प्रमोट करने के लिए, वहाँ के लोकल व्यवसाय को प्रमोट करने के लिए इस प्रकार की शॉप्स रेलवे ने जगह जगह हर स्टेशन पर आवंटित की हैं, जिसमें वहाँ की जो लोकल प्रोड्यूस है उसकी झलक देखने को मिलती है। ये अब हम लोग अंदर आ गए हैं, फुट ओवर ब्रिज पर सामने हो जाएगी इज्जत नगर की दिशा, भोजीपुरा की दिशा। नीचे आप देख सकते हैं बरेली सिटी स्टेशन पर ज़मीन काफ़ी है। यहाँ पर भविष्य में अगर रेलवे चाहेगा तो और ट्रैक्स यहाँ पर पार्किंग के लिए भी बढ़ाए जा सकते हैं। 3 प्लेटफॉर्म यहाँ पर जो इस तरफ आप देख रहे हैं, उस पर से जो ट्रेन्स हैं वो यहाँ पर, जो हमारी रामपुर बरेली वाली लाइन है उसके नीचे से सिंगल ट्रैक जाता है, जिससे ट्रेन्स कासगंज की दिशा में जाती हैं। जैसे पूर्णागिरी जनशताब्दी आती है वो नीचे से ही जाती है, और कासगंज बदायूं की दिशा में जो जाने वाली ट्रेन्स हैं वो नीचे से निकल करके पहुँचती हैं बरेली जंक्शन NR पर। और जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 है बरेली सिटी का, वहाँ से ट्रैक्स ऊपर से जाते हैं और रामपुर की दिशा से जो ट्रैक आ रहा है बरेली जंक्शन की तरफ NR में, उसकी लाइन में कनेक्ट होते हैं, जिस पर से त्रिवेणी एक्सप्रेस जाती है या काठगोदाम लखनऊ जो एक्सप्रेस है इंटरसिटी वो चलती है। सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये सेकेंड एंट्री बनाई गई थी बरेली सिटी की, हालाँकि ये जो सेकेंड एंट्री है इससे भी कोई विशेष पब्लिक अंदर नहीं आती। सामने प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर कार्य चल रहा है, यहाँ से ऊपर से भी हम आपको झलक दिखा रहे हैं, नज़दीक से भी दिखाएंगे। प्लेटफॉर्म को ऊंचा किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ये भी पूछ रहे थे कि प्लेटफॉर्म 1, 2, 3 तो एक तरफ पड़ते हैं बरेली सिटी में, पर 4 नंबर इतना दूर क्यों बनाया है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 जब बनाया गया था यहाँ पर, तब बड़ी लाइन से, क्योंकि पूर्व में जैसा आप सब जानते हैं इज्जत नगर मंडल में यहाँ पर जब छोटी लाइन हुआ करती थी, तो बड़ी लाइन को लाने के लिए यहाँ पर NR की तरफ से ऊपर से ब्रिज बना करके लाइन लाई गई थी, ताकि जो लखनऊ की दिशा से ट्रेन आएँ उनको लाया जा सके। तो वो ट्रैक काफ़ी दूर से आया है, रामपुर वाली लाइन के पास से निकला है, तो इस कारण से जो 4 नंबर का प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया था, और शुरू में जब बरेली सिटी से लाल कुआ का सेक्शन खुला तो बड़ी लाइन की ट्रेन्स, यात्री गाड़ियां, पैसेंजर ट्रेन्स यहीं से चलती थी 4 नंबर प्लेटफॉर्म से। यहां पर 2 ट्रैक्स इस दिशा में थे जिससे कि लोको रिवर्स हो जाए, और दाहिने हाथ पर तब उस ज़माने में छोटी लाइन ही हुआ करती थी बरेली सिटी पर, और बाद में पीलीभीत तक ये पूरी फिर बड़ी लाइन टनकपुर तक की गई, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ जैसा आप सब जानते हैं। सामने आप देख सकते हैं 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर अभी हम आपको लेकर के चलते हैं, काफ़ी लंबा पैदल पुल है। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं जो 4 नंबर प्लेटफॉर्म है उसको ऊंचा भी किया जाएगा, बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है तेज़ी के साथ,
सामने NR की दिशा हो जाएगी। तो जो फ़िलहाल वर्तमान में लखनऊ ट्रेन्स जाती हैं या उस दिशा से आती हैं, काठगोदाम इंटरसिटी हो गई या हमारी त्रिवेणी एक्सप्रेस जो जाती है, वो 4 नंबर प्लेटफॉर्म से होते हुए जाती है। और यहाँ पर चूँकि प्लेटफॉर्म बहुत नीचा है, कर्व तो है ही, एक तरफ से ट्रेन यहाँ पर ऊंची रहती है क्योंकि मोड़ है बहुत घुमावदार, तो यहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनको ट्रेन को बोर्ड करने में, चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसके कारण से अब प्लेटफॉर्म को यहाँ पर बेहतर किया जा रहा है, कार्य चल रहा है। प्लेटफॉर्म के बगल में यहाँ पर पार्किंग के लिए भविष्य में अगर रेलवे ने चाहा तो और ट्रैक्स डाले जा सकते हैं, ठोकर लाइन बनाई जा सकती, क्योंकि आगे सेकेंड एंट्री की बिल्डिंग आती है। ये अब हम लोग पहुँच गए हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, हाइब्रिड पाइप सामने लगा है जिससे कि कोच में जो यात्री गाड़ियां आती हैं लाल कुआं से पानी वगैरह भरा जाता है और ट्रैक ये चला जाएगा फिर आगे बरेली जंक्शन को, जो हमारे उत्तर रेलवे में आता है मुरादाबाद मंडल में। ये ट्रैक्स आगे घूम करके मिल जाते हैं इस दिशा में, इज्जत नगर की ओर, लाल कुआं की ओर चले जाएंगे ट्रैक्स। तो यहाँ पर शेल्टर भी बहुत छोटा है, शेल्टर को भी बढ़ाया जाएगा अमृत भारत योजना में। बरेली सिटी के ऊपर भी एस्केलेटर्स वगैरह लगाए जाएंगे, लिफ्ट लगाए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, यात्री सुविधाएं जो है उनको बढ़ाने की बात सामने निकल करके आ रही है। कार्य जिस रफ्तार से चल रहा है आप देख सकते हैं, बाउंड्री यहाँ पर पीछे की दिशा में तैयार की जा रही है। अभी बेंचेस वगैरह भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी वाली लगाई जाएंगी, स्टील की लगेंगी शायद। और ये जो ढांचे आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर आगे जो ढांचा रखा हुआ है, ये प्लेटफॉर्म की जो ठोकर आगे तैयार की जाती है, इसके ऊपर फिर कंक्रीट के छोटे छोटे स्लैब्स रखे जाते हैं, पत्थर, जिससे कि प्लेटफॉर्म की आगे की जो कगर है आप कह सकते हैं ठोकर, वो पूरी तैयार होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर इज्जत नगर की दिशा से गुड्स ट्रेन आ रही है जो कि अब NR की साइड जा रही है, तो ये रोजा या सीतापुर की दिशा में जाएगी आगे। तो फिलहाल यहाँ से ये निकल रही है। अभी बरेली सिटी से भोजीपुरा जंक्शन तक जो हमारे NER में दोहरीकरण का कार्य होना है वो भी अभी शुरू नहीं हुआ है, हालांकि नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि उसकी डबलिंग जो है कब होती है इज्जत नगर दोहना के रास्ते होते हुए, क्योंकि सेक्शन पर दबाव धीमे धीमे बढ़ रहा है, रेलगाड़ियां जो हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी। जब कल को पीलीभीत से मैलानी जुड़ जाएगा तो लखनऊ की दिशा से NER का जो अपना रूट खुल जाएगा, तो मथुरा है, कासगंज है, आगरा फोर्ट है, जयपुर है, लंबी दूरी की रेलगाड़ियां सीतापुर लखीमपुर होकर के मैलानी के रास्ते जब पीलीभीत आएंगी और वहाँ से बरेली आएंगी, तो बरेली आने के लिए भोजीपुरा से बरेली के बीच जो सेक्शन है उस पर दबाव बढ़ेगा बरेली सिटी तक विशेषकर, क्योंकि बरेली सिटी से डबल लाइन आगे NR की दिशा में करना, नीचे आपको पता है एक पुल है यहाँ पर, सकरा सा रास्ता निकलता है, तो ऊपर हमारे जो मुरादाबाद की लाइन्स हैं वो हैं, और ये जो 4 नंबर से ट्रैक जाता है वो ऊपर से जाता है, जिसके ठीक नीचे से सिंगल लाइन जाती है बरेली जंक्शन पर, जिससे कासगंज की दिशा में लाइन जाती हैं, तो वहाँ पर स्पेस नहीं है कि दो ट्रैक्स डाले जाएँ। ऊपर ये जो दो ट्रैक्स आप देख रहे हैं ये भी आगे जाकर के ब्रिज पर सिंगल लाइन ही निकलती है, और भविष्य में बहुत से लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि बरेली सिटी को और डेवलप किया जाए तो यहाँ से जो दूसरा ट्रैक सामने की दिशा में है उसके ठीक थोड़े ही पीछे जो हमारा रामपुर वाला ट्रैक है, दिल्ली की लाइन वो निकलती है, तो उस दिशा में अगर यहाँ पर दो प्लेटफॉर्म्स और बढ़ाए जा सकें अप और डाउन लाइन के ऊपर, तो फिर बरेली सिटी को भी कनेक्ट किया जा सकेगा हमारे NR की लाइन से, दिल्ली वाली लाइन से। लेकिन अलग अलग जोन्स का मसला फंस जाता है, तो अभी तक इस पर कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ है। अब भविष्य में हो सकता है कभी, टेक्नोलॉजी आ गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को आप उस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप फिलहाल देख सकते हैं बरेली सिटी स्टेशन के ऊपर जो 4 नंबर का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जो स्टेशन की बिल्डिंग है उसके ठीक सामने यहाँ पर यात्री तैयार हो रहे हैं, कोई ट्रेन आने वाली है अभी यात्री गाड़ी। तो यहाँ पर आप देखिए बाउंड्री वॉल तैयार की जा रही है, इधर सेकेंड एंट्री की बिल्डिंग है जिसमें ऑफिशल्स बैठते हैं, ये फुट ओवर ब्रिज है जो प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 की दिशा में जाएगा, काफ़ी लंबा पैदल पुल है और नीचे यहाँ पर ज़मीन काफ़ी है, मैं देख रहा हूँ स्पेस काफ़ी है, तो इसको आने वाले समय में यहाँ पर रेलवे इसका कुछ न कुछ उपयोग कर सकती है, पार्किंग के लिए ट्रैक्स डाले जा सकते हैं या यहाँ पर हरियाली की जा सकती है,
फ़िलहाल नर्सरी भी एक छोटी सी यहाँ पर हुआ करती थी। तो ये एक नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं, और अभी बरेली सिटी से भोजीपुरा तक जो दोहरीकरण का कार्य भी होना है वो अभी शुरू नहीं हुआ है। देखना होगा कि उसका भूमि पूजन कब होता है, कब उस प्रोजेक्ट के ऊपर कार्य शुरू होता है, क्योंकि उसको भी पूरा करने में जाहिर बात है समय लगेगा। और नए वित्तीय वर्ष में मुझे लग रहा था कि ड्राइंग बना करके उस पर प्रोजेक्ट पर भूमि पूजन हो जाएगा और जल्द से जल्द कार्य को शुरू किया जाएगा, लेकिन हमारे NER में कार्य जल्दी नहीं पूरे हो पाते हैं, समय बहुत लग जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से जो प्लेटफॉर्म की ठोकर बनेगी उसके यहाँ पर ब्लॉक्स रखे हुए हैं, सामने आप देख सकते हैं दूर तक जहाँ तक निगाह जाएगी। और यहाँ पर शेल्टर भी बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर ये फाउंडेशंस पक्की बना ली गई हैं, जिसमें कॉलम खड़े किए जाते हैं आयरन के, जिसके ऊपर फिर शेल्टर की पूरी तैयारी की जाएगी, क्योंकि तेज़ गर्मी में यहाँ पर या बारिश में प्लेटफॉर्म लंबा काफ़ी है, लेकिन पर्याप्त शेल्टर्स नहीं है यहाँ पर स्टेशन के ऊपर, तो उसकी व्यवस्था भी की जाएगी और शेल्टर यहाँ पर लगाया जाएगा। शेल्टर की जो लेंथ है उसको भी बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर कार्य ज़ोर शोर से चल रहा है, प्लेटफॉर्म को ऊंचा किया जाएगा ताकि बड़ी लाइन के हिसाब से हाइट होनी चाहिए, ताकि जो यात्री हैं उनको ट्रेन को बोर्ड करने में और वापस उतरने में प्लेटफॉर्म के ऊपर, विशेषकर जो महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं या जिनके पैर में तकलीफ़ है, दिक्कत ना हो। क्योंकि अभी के हाल फ़िलहाल जो ताज़ा स्थिति है, ये प्लेटफॉर्म काफ़ी नीचा है, 4 नंबर का जो प्लेटफॉर्म है इसकी हाइट बहुत कम है, और ब्रॉड गेज की ट्रेन जब यहाँ पर रुकती है तो उसमें चढ़ना या उससे उतरना डिब्बे से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि अभी प्लेटफॉर्म की जो हाइट है उसको बढ़ाने के लिए ये यहाँ पर ठोकर उसकी रखी हुई है। अब यहाँ पर काम जब शुरू होगा तो उसके बाद अगर प्लेटफॉर्म की हाइट बढ़ाने के लिए ये ठोकर लगाई जाएगी, पीछे मिट्टी भरान फिर किया जाएगा, तो उस दौरान जब ट्रेन्स यहाँ पर आएंगी तो यात्री जब उतरेंगे तो मैं सोच रहा हूँ कि उनको फिर ट्रेन को पकड़ने में या उतरने में अच्छी खासी दिक्कत पेश आएगी, क्योंकि जब ये कॉलम्स लग जाएंगे कॉन्क्रीट के, जिससे कि प्लेटफॉर्म की हाइट बढ़ाई जाएगी, तो गेट के पास से आपको नीचे उतरने में फिर दिक्कत आएगी। या तो जब तक ये कार्य चले प्लेटफॉर्म को ऊंचा करने का, तब तक यहाँ पर ट्रेन्स का जो ठहराव है वो कुछ समय के लिए हटा दिया जाए, लोग बरेली जंक्शन पर उतर जाएं या फिर आगे इज़्ज़त नगर पर उतरें और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर ट्रेन का जो ठहराव है कुछ टाइम के लिए आप हटा सकते हैं। बेंचेस वगैरह भी टूट गई हैं, देखिए। अब ये तो आगे रेल अधिकारी डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार से यात्री यहाँ पर उतरें, क्योंकि दिक्कत आएगी जब काम चलेगा प्लेटफॉर्म की ऊंचाई को बढ़ाने का, तो ट्रेन से उतरने में और डिब्बे में चढ़ने में उस समय फिर परेशानी होगी, क्योंकि ठोकर यहाँ पर बनाई जाएगी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा फिर ट्रैक पर ही उतरेंगे या तो, क्योंकि उतर करके फिर प्लेटफॉर्म के ऊपर आना जो है ये बहुत अपने आप में एक चुनौती भरा काम होगा, आसान नहीं होगा। तो यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं बाउंड्री का काम चल रहा है ज़ोर शोर से, और इधर हमारी मालगाड़ी खड़ी हुई है। तो बरेली सिटी से ये कुछ बातें थीं अमृत भारत योजना के ऊपर, किस प्रकार से बरेली सिटी को भी डेवलप किया जा रहा है और बेहतर किया जा रहा है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स वगैरह पर काम चल रहे हैं और यात्री सुविधाएं जो भी बढ़ाई जाएंगी धीमे धीमे, तो आने वाले समय में यहाँ से यात्रियों को भी फिर फ़ायदा होगा, लाभ मिलेगा जो ये कार्य कराए जा रहे हैं। एक और गुड्स ट्रेन आ गई, तो मालगाड़ियों का भी काफ़ी दबाव है। यहाँ से आप ऊपर से व्यू आप देखिए, पेड़ों के पीछे से रामपुर वाला ट्रैक जा रहा है, सामने आपको दिख रहा होगा। तो पीछे की दिशा में जो बात काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स भी बोलते हैं, अगर पीछे की दिशा में यहाँ पर प्लेटफॉर्म बना लिया जाए तो फिर दिल्ली वाली लाइन भी जुड़ जाएगी, उनका ये कहना है। लेकिन जोन्स का फ़र्क पड़ जाता है, दोनों जोन्स अलग हैं, वो उत्तर रेलवे है, ये NER है हमारा, तो इस कारण से अभी फ़िलहाल नहीं हो पा रही है। कुछ ऐसा
नहीं बन पा रहा है प्लेटफॉर्म्स का मसला, कि जिससे कि दिल्ली वाले ट्रैक से भी आप ट्रेन को यहाँ से बरेली सिटी से लोग पकड़ सकें। अब आने वाले समय में, भविष्य में यदि कभी ऐसा बन जाते हैं प्लेटफॉर्म, तो मैं अभी से नहीं कह सकता, फ़िलहाल अभी ऐसी कोई योजना रेलवे की नहीं है। तो ये पूरा एक दृश्य ऊपर से आप देखिए, ज़मीन बहुत है बरेली सिटी पर। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।